कमलनाथ सरकार के नर्मदा घाटी एवं विकास प्राधिकरण मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि विद्युत मंडल अनावश्यक रूप से बिजली कटौती कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अलग अलग वक्त में बिना बताए हो रही बिजली कटौती ने राज्य सरकार को सख्ते में डाल दिया है। वहीं उज्जैन दौरे पर पहुंचे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पर्यटक विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने बिजली कटौती को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर अनावश्यक कटौती हो रही है, हमारे पास पर्याप्त बिजली है। हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो कटौती है वो कटौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग षड्यंत्र रचते हुए बिजली को फॉल्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है और हम लोग पूरा प्रयास करके जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली दिया करती थी, कृषि के क्षेत्र में भी वैसा ही रहा। अब हम कोशिश करके प्रयास पूरे कर रही है हमारी सरकार कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त बिजली मिले, औद्योगिक क्षेत्र हैं जो उनकी आवश्यकता है वो पूरा पर्याप्त उनको बिजली मिले और शहरी क्षेत्र में भी जो आवश्यकता है इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई भी बिजली की कमी किसी भी क्षेत्र में कमी आने नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा अपने कामों की ब्रांडिंग नहीं कर पाने के सवाल पर उन्होंने कहा, आचार संहिता की वजह से सरकार अपने कामों को जनता के बीच नहीं ले पाई है, लेकिन अब सरकार अपने कामों को जनता के बीच लाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार बनने के बाद जो हमारे वचन पत्र में बिंदु थे, काफ़ी बिंदुओं पे हमने काम करके चुनाव के पहले उनको बिंदुओं पे हमने काम करना चालू कर दिया है और कुछ बहुत सारी योजना स्वीकृत भी हुई हैं। पर चूंकि लोकसभा चुनाव आ गए थे, लोकसभा चुनाव का समय रहा, आचार संहिता थी, अब आपको देखने में आएगा और आपको दिखेगा अभी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी कौन कौन सी योजनाएं आम जनता को दी है और आगे। कुल मिलाकर एक बार फिर बिजली कटौती को लेकर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की किरकिरी हो रही है। वह कांग्रेस सरकार इसे भाजपा का षड्यंत्र बता रही है। बहरहाल बिजली कटौती का मुद्दा प्रदेश में गरमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।